एक ऑब्जेक्ट लेंस, एक आई लेंस। ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ये इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी इमेज जो है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये पीछे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। दो एंगल आपके पास, एक पी सी टू ए डबल डैश अल्फा एंगल, ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश बीटा एंगल, क्योंकि इन दोनों एंगल की हमें जरूरत पड़ती है कहाँ पे, जब हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए एंगल पी सी टू ए डबल डैश इज इक्वल टू अल्फा एंगल सब्टेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश इज इक्वल टू बीटा एंगल सब्टेंडेड बाई इमेज। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दोनों के साथ टेंजेंट लगा, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट निकालने के लिए हमें पंडित बद्री प्रसाद हरहरबोले फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बीटा बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, बीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ये होगा ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश, ए डबल डैश सी टू बी डबल डैश बीटा निकलेगा, और पी सी टू ए डबल डैश से अल्फा निकलेगा, ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट बीटा ए डबल डैश सी बी डबल डैश अपॉन सी टू ए डबल डैश, टेंजेंट अल्फा पी ए डबल डैश सी टू ए डबल डैश। मैग्नीफाइंग पावर, हम टेंजेंट बीटा में टेंजेंट बीटा की और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास सी टू ए डबल डैश से कट जाएगा, ए डबल डैश इज इक्वल टू पी ए डैश। अब क्योंकि पी ए डैश जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, तो ये है पी ए डबल डैश, ये पी ए डबल डैश बिल्कुल बराबर होता है ए बी के, तो हम पी ए डबल डैश की जगह किसकी वैल्यू क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नीफाई पावर बन गई ए डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड राइट हैंड साइड, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन, ये मैग्नीफाई पावर, ये इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। इक्वेशन थ्री को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ए बी से, ए डैश बी डैश से, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाई ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको किससे डिवाइड करेंगे, ए डैश बी डैश, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये पहले वाला ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है किसकी, जब ऑब्जेक्ट ही है, तो इसका मतलब जब ये इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट ही है, जब ये इमेज बनती है तो ये ऑब्जेक्ट ही है। ये वाली इमेज कब बनेगी, ये वाला कब होगा, जब ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है ए डैश बी डैश की, किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो मैं इसको एम ई लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम एक बार देखेंगे, यहां पे लिखेंगे ए डबल डैश, आपको दिख रहा है भाई सही से, आपको सही दिख रहा है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास किसके लिए, ये ए डबल डैश बी डबल डैश वाला किसके लिए, आई लेंस के लिए। और जब ए डैश इमेज है बी डैश आपके पास, ए डैश बी डैश इमेज है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन था, ए बी, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए, एमओ, ठीक है। ये दो चीजें आपके पास बन गई, इन दोनों की वैल्यू को, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फोर मान लो, पर इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर देंगे, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी की जगह आ जाएगा एम ई,
और इसकी जगह आ जाएगा एमओ, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एमई मल्टीप्लाई एमओ। ये क्वेश्चन नंबर 5। यहां तक इस डेरिवेशन इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक पार्ट हो जाता है, एम पी इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग पावर इज इक्वल टू एम ई, ई मतलब आई लेंस के लिए, इसके लिए ठीक है, ओ मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। यहां तक आपका एक पार्ट हो जाता है। अब मुझे एक बार बता देंगे, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है भाई, जल्दी से जवाब देंगे, ये क्लियर है ना बात यहां तक? ठीक है, मैं यहां की आपको फोटो भेज देता हूं पहले। डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमओ, एमओ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एमओ है क्या वो लिखना पड़ेगा। एमओ इज इक्वल टू, अभी किया आपने, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, और ए डैश बी डैश अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो ये ए डैश बी डैश ये, और ये यहां से लेकर अगर यहां तक का मैं डिस्टेंस करूं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का है तो बी ओ, ठीक है, मैं इसको बी ओ ना मान के सीधे बी मान लेता हूं, तो ये आपके पास आ गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ओ ही मान लेते हैं, बी ओ ही मान लेते हैं, चलिए याद करने के लिए ठीक रहेगा। तो आपके पास बन गया ए डैश बी डैश की जगह बी ओ, ठीक है, और ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, फिर से अपना डायग्राम देखेंगे, यू ही, अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो मैं इसकी इसको क्या लूंगा, माइनस यू, तो ये आ गया माइनस, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ये आपके पास एमओ निकल गया, बस इतना सा निकालना है एमओ, बी बी अपॉन बी नोट अपॉन यू नोट, सॉरी यू नोट, बी नोट अपॉन यू नोट, ये आपके पास आ गया एमओ। अब आपके पास अगला काम आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एम ई, डिटर्मिनेशन ऑफ एम ई, एम ई फाइंड करने के लिए फिर से मैं इसी तरीके से एम ई की वैल्यू लेता हूँ जो हमने पीछे निकाली हुई है, तो एम ई किसके बराबर था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश की वैल्यू अगर यहां से पता करें हम, तो ये डी होती है, डी बाद में पुट करेंगे, पहले जो हमें पता है हम वही पुट करेंगे, वी, ठीक है, हम लिख लेते हैं वी अपॉन ए डैश बी डैश, किसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो यू ही, यहाँ पे हमने डायग्राम में नहीं लिखी हुई है, पर आपने आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यू लेते हैं, डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का यू लेते हैं और इसका वी लेते हैं, तो हमने वी अपॉन यू ही लिख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को वी, वी की वैल्यू क्या है, डी, तो हम वी की वैल्यू को डी पुट कर देंगे, तो क्या बन गया, डी अपॉन यू, एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू ही, ठीक है, अभी हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए, डी माइनस होगा पर अगले उसमें, ठीक है, तो एम इज इक्वल टू डी अपॉन यू, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 7। ये एमओ निकल गया, एम ई निकल गया, पर अभी पूरा नहीं निकला, अभी हम इसके आगे निकालेंगे फॉर आई पीस लेंस, तो यहां पे हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहां पे करता हूँ, हाँ जी लेंस फार्मूला कौन बोलेगा, स्मृति लेंस फार्मूला बोलो, स्मृति लेंस फार्मूला बोलो, -1 अपॉन यू 1 अपॉन वी, ठीक है, फॉर आई लेंस, आई के लिए ले रहे तो मैं एफ के साथ ई लगा देता हूँ, तो ये क्या बन गया, -1 अपॉन यू +1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन,
अप्लाइंग साइन कन्वेंशन क्या बोलती है, यू इज इक्वल टू माइनस यू, वी इज इक्वल टू माइनस डी, तो क्या बन जाएगा माइनस वन अपॉन यू की जगह माइनस वन अपॉन यू, माइनस वन अपॉन डी, क्योंकि ये डी माइनस का वन अपॉन एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन गया वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये डी दूसरी तरफ चला गया तो प्लस वन अपॉन डी, ठीक है, वन अपॉन आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड, जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया डी से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू डी अपॉन एफ ई प्लस वन, उसमें मैंने लाइक आया उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ऐसे किया था, ठीक है, ये डी अपॉन यू ई आ गया। इस वैल्यू को हम कहां पे पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 थी हमारी, यहां पे हमने छोड़ दी, यहां से हम वैल्यू को पुट कर देंगे डी यू ई की वैल्यू एम यू, ठीक है, हम क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 बोलती है कि डी अपॉन यू एम ई के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे डी अपॉन यू ई की जगह एम ई लिख लूंगा और इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये एम ई की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 8। अब मैं इक्वेशन नंबर 8 में एम ई की वैल्यू आई है और इक्वेशन नंबर 6 में एम ओ की वैल्यू आई है, ठीक है, पुट एम ओ एंड एम ई इन इक्वेशन, जहां पे हमने मैग्नीफाइंग इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, पुट एम ओ एंड एम ई इन इक्वेशन नंबर 5, देखिए एक बार बता देते हैं, यहां पे ये हमारी इक्वेशन 5 है, यहां पे एम ई यहां पे एम ओ, इक्वेशन 6 में मेरे पास एम ओ की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, और इक्वेशन 8 में मेरे पास एम ई की वैल्यू आ गई है, ठीक है, हम ये वाली दोनों वैल्यू जो इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एम ओ, एम ओ की वैल्यू कितनी है वी अपॉन यू नॉट माइनस मल्टीप्लाई वन प्लस, मल्टीप्लाई ना लगा के मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, डी अपॉन एफ, ये आपके पास आ गया मैग्नीफाइंग पावर बी इज इक्वल मैग्नीफाई पावर बी नोट माइनस अपॉन माइनस यू नोट वन प्लस डी अपॉन एफ, दिस इज द इन दिस केस लेंथ, बस आपको यहीं तक करना है, अगर मैं आपको लिख देता हूँ क्या करना है, आपने अगर आपको लेंथ इसकी लेंथ पूछी होगी, ठीक है, तो लास्ट में आप लिखेंगे इन दिस केस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, टोटल लेंथ कितनी होगी माइक्रोस्कोप की, अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप कितना, तो आपको ये वाला यू नोट, ठीक है, यू ई आई लेंस का, और इन दोनों को पूरी लेंथ को देखना होता है, तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 9-1 के इसको यहीं तक, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप।